भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। भंडारा जिले के नागरिक रामलला दर्शन के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े। 1500 नागरिकों ने भंडारा गोंदिया लोकसभा से पास के लिए राम भक्तों में दिखा उत्साह। बताते चले कि आस्था स्पेशल रेलवे के माध्यम से भंडारा गोंदिया लोकसभा के 1500 से अधिक नागरिक राम भक्त अयोध्या के श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या निकले। रेलवे विभाग की ओर से 5 स्टालों के माध्यम से पंजीकृत राम भक्तों को पास वितरित किए गए। सांसद की पहल पर कार सेवकों को निःशुल्क पास उपलब्ध कराए जाने से यह देखा गया कि राम भक्तों ने सांसद मेंढे के प्रति आभार व्यक्त किया। नागरिकों ने रामलला के नारे लगाते हुए यात्रा शुरू की। भंडारा जिले में दोपहिया वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में। 5 चोरी के दोपहिया वाहन पुलिसकर्मी के हिरासत में। स्थानीय अपराध शाखा भंडारा की कार्रवाई। कुल कीमत 2,45,000 जब्त कर लिया। बता दें कि स्थानीय अपराध शाखा भंडारा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर के नेतृत्व में 21 फरवरी को सुबह 11 बजे स्थानीय अपराध शाखा भंडारा की एक टीम ने गोपनीय आधार पर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार आरोपी करण परमानंद मानापुरे उम्र 23 वर्ष निवासी बेलघाटा वार्ड पौनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 2,45,000 रुपए कीमत की कुल 5 चोरी की मोटरसाइकिल की जब्त। भंडारा जिले में भव्य टेनिस बॉल डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। जमकर हुई इनामों की बारिश। बड़ी संख्या में जुटे नागरिक। बताते चले कि जिला परिषद प्रीमियर लीग का ग्रैंड टेनिस बॉल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 21 फरवरी को दोपहर 3 बजे भंडारा जिले के नाकाडोंगरी आष्टी क्षेत्र के नरसिम्हाराव मैदान में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 30,555 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 20,555 रुपए और तृतीय पुरस्कार 11,111 रुपए से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक, किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनके बीच गठबंधन को लेकर चर्चा अंतिम दौर में पहुंच गई थी। आखिरकार गुरुवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें दी जाएगी। गोंदिया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बीमारी से परेशान 52 वर्ष का नानक राम मनुजा नामक व्यक्ति ने आज 22 फरवरी गुरुवार की सुबह 7:30 बजे के दरमियान सिंधी कॉलोनी की स्थित अंडेट कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश। आसपास के दुकानदारों ने कुएं में कूदने की छापक सुनकर वहां पहुंचे और इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मियों ने वहां पहुंचकर कुएं में कूदे व्यक्ति को बाहर निकालकर आगे के उपचार हेतु जिला KTS अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंदिया जिले से और एक मामला सामने आया है। बता दें कि 20 फरवरी 2024 को लोकल क्राइम ब्रांच टीम को गुप्त सूचना मिली कि गंगाझरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी बादल खोबरागड़े ने खुद के घर में किसी बड़े गुनाह के मकसद से घातक शस्त्र लाकर रखे हैं। लोकल क्राइम ब्रांच टीम ने अभियान चलाकर लोगों में आतंक और दहशत फैलाने के उद्देश्य से घर में रखा तलवारों का जखीरा बरामद किया है। चुनाव से ठीक पहले घर से दर्जन भर की संख्या में मिले हथियारों के जखीरे ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। नागपुर ग्रामीण क्षेत्र के बेसागोदली मेन रोड स्थित वैद्य इंडस्ट्रीज में भीषण आग की खबर सामने आई है। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन की 8 गाड़ियां यहां आग बुझाने की कोशिश में लगी है। जानकारी है कि बुझाने में वक्त लग सकता है। इस भीषण आग से भरी नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही है। प्रकाश अंबेडकर ने जवाब दिया है कि मनोज जारंगे पाटिल को अपनी लड़ाई राजनीतिक स्तर पर ले जानी चाहिए। मनोज जारंगे पाटिल का आरोप है कि अब तक राजनीतिक नेताओं ने मुझे धोखा दिया है, तो प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि जब तक वे राजनीतिक रूप नहीं अपनाएंगे तब तक उन्हें धोखा मिलता रहेगा। पुणे के प्रसिद्ध कवि, गजल लेखक और महाराष्ट्र साहित्य परिषद के पदाधिकारी दीपक करंदीकर वर्ष का बुधवार आधी रात के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बेटा है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित करंदीकर पिछले 8 दिनों से बीमार थे। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार आधी रात को उनकी मौत हो गई। करंदी के शव का गुरुवार को वैकुंठ स्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली सीमा पर किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बड़ी घोषणा की है। गन्ना खरीद दर में 8% बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
किसानों के विरोध के बीच कैबिनेट ब्रीफिंग, न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गन्ना खरीद दरों में 8% बढ़ोतरी की घोषणा की है। गन्ने का दाम 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को यवतमाल का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह सर के पासभारी में महिला समूह को संबोधित करेंगे। आपूर्ति मंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज एशिया ने तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की।